वाह क्या खुशबू है। अरे अरे कम से कम सुकून से बैठ कर खाना खा लिया कर। अरे माँ पेट ही तो भरना है, चाहे जल्दी खाओ या आराम से खाओ। 24 घंटे काम करता रहता है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अरे 24 मिनट खाने के लिए नहीं निकाल सकता? माँ मेरे लिए 24 मिनट भी बहुत कीमती है, मैं सिवाय ड्यूटी की और कुछ नहीं सोच सकता। और वैसे भी तुमने आज का अखबार पढ़ा? अरे तुम्हारे बेटे की धूम मची हुई है, फोटो छपी है, फोटो अमर वर्मा द ब्यूटीफुल ऑफिसर। मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना। पहले ये बता तू मुझे गुड न्यूज कब दे रहा है? कौन सी गुड न्यूज? शादी की। शादी? माँ देखो जब तक मुझे बेस्ट पुलिस ऑफिसर का मेडल नहीं मिलेगा मैं शादी वादी बिल्कुल नहीं करूँगा। मुझे मेडल से नहीं बहू से मतलब है। मना किया था मैंने कि बेटे को पुलिस में मत डालो, लेकिन तेरी तरह वो भी जिद्दी है, मेरी एक नहीं मानी। डैडी है कहाँ? पता नहीं, यहाँ कब से खाना ठंडा हो रहा है। कौशल्या मेरा तो दिमाग खराब करके रख दिया। क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ क्या? उस दिन मेरी घड़ी नहीं मिल रही थी, तीसरे दिन मेरी नेकटाई गायब थी, मेरा बेल्ट गायब है, मेरी वो जुराबे गायब है। अब देखो मेरी 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 करते रहते हो, कभी किसी चीज को हमारी भी कहा करो। अच्छा हमारा कच्चा कहाँ है? जब भी मुंह खोलोगे कुछ न कुछ उटपटांग बातें करते रहते हो। तू हंस क्या रहा है, चल खाना खा। डैडी जाने दो, आगे खाना खा लो, कच्चा बाद में ढूंढ लेना। श्रीमान कमिश्नर। I'm sorry, दादी माँ, आज के बाद मैं कभी लेट नहीं आऊंगा, बस एक और बार मुझे माफ कर दो। भैया और भाभी जाग रहे? अरे अरे भैया और भाभी तो सो गए, टीवी तक ऑफ नहीं किया, कमाल है भाई। देखिए भाभी मैं आपके लिए एक नई परफ्यूम लेकर आया। अबे चुप। ये देखो अमीरों के चोंचले, रात के 2 बज रहे हैं और ये लोग नाच गाना कर रहे हैं। रात भर ये लोग ऐश कर रहे हैं और हम इनका पैरा भरे। हवलदार साहब, थैंक यू। चुप हो जा बेटी, मत रो मत रो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना यहाँ। अरे कमिश्नर साहब नमस्कार जी, हाँ मैं आप ही से कह रहा हूँ, आइए आइए अंदर आइए। माफ कीजिएगा आपको यहाँ आने का कष्ट उठाना पड़ा, क्या लेंगे आप, चाय या ठंडा? डंडा ठंडा नहीं सर। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, अरे भाई देखो चोर अगर चाय या शक्कर छोड़ गया हो तो कमिश्नर साहब के लिए चाय तो बनाओ जरा। आप खड़े क्यों हैं,
बैठिए बैठिए भी। अच्छा एक बात बताइए, मैं कौन हूँ? कैसी बातें करते हैं आप स्टेट के चोर, आई मीन होम मिनिस्टर है सर। अरे ये जानते हैं, ये मुझे जानते हैं कि मैं होम मिनिस्टर हूँ। अच्छा आप जानते हैं कि चोरी किसके घर हुई है? आपकी बेटी के घर सर। अरे आप ये भी जानते हैं कि चोरी मेरी बेटी के घर हुई है? जी सर। वेरी गुड वेरी गुड। और ये जानते हुए भी आप इतनी देर से आ रहे हैं? यस सर, आई मीन नो सर, गो सर। शट अप। पुलिस कमिश्नर का मतलब जानते हो? उसका काम वर्दी पहनना, कुर्सी पर बैठे रहना या पगार लेना नहीं है। अरे जनता सवाल तो हमसे करती है, क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें जब लोग कहेंगे कि होम मिनिस्टर की बेटी के घर चोरी हो सकती है, तो उनके घर कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? जानते हो 4.5 साल की मेरी कमाई चली गई, वो कमाई जो मिनिस्टर बनने के बाद कितनी मेहनत से मैंने जमा दी थी, वो सबकी सब वापस चाहिए मुझे, सबकी सब। समझ गया सर। सर वैसे चोर कितना ही होशियार क्यों ना हो, जरूर कोई ना कोई निशानी छोड़ जाता है। मैं देखता हूँ सर, कोई क्लू मिल जाए शायद। क्लू? हाँ हाँ क्लू वो छोड़ गया है, लाओ इधर लाओ इधर लाओ। मैं तुम्हें क्लू देता हूँ, तुम मुझे चोर ला के दो। जी सर। किंग ये पी लीजिए सर। क्या है ये? इनो। मुझे इनो नहीं, अमर का खून हो चाहिए, उसका खून पीऊंगा मैं। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा इसको टेंशन देने का। गुस्सा थूक दीजिए सर और ये पी लीजिए। अमर अब तक आया क्यों? कहीं फंस तो नहीं गया वो? ऐसा तो नहीं किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए पब्लिक प्लेस में गोलियां चला रहा हो? या ये हो सकता है सर कि किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए किसी के घर में आग लगा दी हो? सर मुझे तो डर लग रहा है, कहीं किसी डॉन से एनकाउंटर तो नहीं कर रहा, और इस एनकाउंटर में गोलियां चलेगी, और अगर गोली किसी आम इनोसेंट आदमी को लग गई और वो मर गया तो सर हंगामा हो जाएगा, हंगामा। प्लीज, क्या आप लोग चुप नहीं रह सकते? देख नहीं रहे कि इनकी तबीयत खराब है? अब ऐसी हालत में इनसे इस तरह की बातें करना खतरनाक साबित हो सकता है। मेरा मतलब है, इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि अमर आखिर है कहाँ, इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर और कौन सी मीटिंग हो सकती है? अच्छा तो जनाब यहाँ थकान उतारने आते हैं? हाँ। नहीं मेरा मतलब है तुमसे प्यार करने आता हूँ। काजल तुम्हारे दिल के जेल में उम्र भर के लिए कैद हो गया, जाकर भी यहाँ से रिहा होने का कोई चांस नहीं, और तुम्हारी जुल्फों की जंजीरों में इस तरह जकड़ गया हूँ कि अगर चाहूँ भी तो उसे तोड़ नहीं सकता। तुम पुलिस वाले तारीफ भी ऐसे करते हो जैसे कोई सजा सुना रहे हो। अच्छा उठो मैं जा रही हूँ। अरे, अरे अरे मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे कॉलेज को देर हो रही है बाबा, और आपको ड्यूटी पे नहीं जाना? लो कर लो बात, मैं ड्यूटी पर ही तो हूँ। मैं इस ड्यूटी की नहीं उस ड्यूटी की बात कर रही हूँ। अब उसमें फर्क क्या है, एक में पगार मिलता है और एक में प्यार, और दोनों ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहा हूँ, ईमानदारी से। इंस्पेक्टर अमर वर्मा रिपोर्टिंग सर। ये जिंदा है? क्या बात है सर, आप लोग सब बड़े रिलैक्स हो रहे थे हैं? रिलैक्स? गोली? गोली। थैंक यू। ओके हम सो इसलिए रहे थे कि हम सब बेकार है ना, हमको कोई काम नहीं है, बस सिर्फ एक छोटा सा काम कर रहे थे हम लोग, आपका इंतजार। आप खड़े क्यों हैं? तस्वीर रखिए ना, बैठिए ना। दोस्तों आपके चहेते बहादुर इंस्पेक्टर आखिर आ ही गए। वैसे आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, पिछले 3 घंटे से आप कहां थे? सर मैं एक मुखबिर से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेने गया था। क्या इन्फॉर्मेशन मिली? सर मुझे ड्रग डीलर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। ड्रग डीलर्स के बारे में? यस सर। आपने आज का अखबार पढ़ा? नहीं सर। नहीं, द सुपर कॉप ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट वन मैन आर्मी, बेचारे के पास अखबार पढ़ने का वक्त नहीं है, इन्हें अखबार दो आज का। सर कोई खास बात है इसमें? खास बात? नहीं नहीं कोई खास बात नहीं, बस इतनी सी कि होम मिनिस्टर साहब की बेटी के घर में चोरी हो गई और चोर सारी खास खास चीजें उठाकर ले गया। अब होम मिनिस्टर साहब ने खास वार्निंग दी है कि अगर हमने जल्दी चोर को नहीं पकड़ा तो हमारे साथ एक खास कार्रवाई करेंगे, बस ये खास बात है। सर मैं अभी जाकर इन्वेस्टिगेशन करता हूँ, शायद कोई सबूत लग जाए हमारे हाथ। एक मिनट बैठो, हमें पता चल चुका है कि चोर कौन है, बस तुम्हारा काम उस चोर को गिरफ्तार करना है, अंडरस्टैंड? आप मुझे सबूत और उसकी गिरफ्तारी का वारंट दे दीजिए, मैं यूं
यूं उसे गिरफ्तार करके ले आऊंगा। यूं? बजी मैं। ये रहा सबूत। सर ये तो दस्ताने हैं।